अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा हूँ। आज हम लेक्चर नंबर 10 चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज नंबर 6.1 का करने वाले हैं। मेरे साथ दुआ पढ़ें। आउज़ुबिल्लाहि रब्बिश्राहली सदरी वयस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم। आज हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन 5 से लेकर 11 तक करने जा रहे हैं, जिसमें से आप देखें क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके कुछ क्वेश्चंस दो पार्ट अब मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ये दिए हुआ, इसको करना क्या है, इसमें हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है बाई फैक्टराइजेशन। तो हमें क्या दिया, तरजीह के तरीके से हमने जो है ज़ाफ़कल निकालना है। तो ये हमें दो इसके फैक्टर दिए हैं। सबसे पहले हमने इसके फैक्टर बनाए, ये लिखा हुआ एक्स के -25x + 100। तो इसमें हमने इसके दो फैक्टर बनाए, 20 और 5। तो अगर -20 को -5 से मल्टीप्ली करें तो +100 आएगा, प्लस करेंगे तो -25। अब इस ये एक पेयर है, इसमें से हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें से एक्स कॉमन आएगा और इसमें से -5। तो आपके पास ब्रैकेट में बिल्कुल सेम है, तो ये आपके पास इसका इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब आ जाइए, अब जब इसकी फैक्टराइजेशन कर रही है, -4 और +1 इसका आ रहा है, तो वो हमारे पास ये दो हमने वैल्यू ली। अब ये एक पेयर हो गया और एक ये, उसमें से एक में एक्स कामन आ रहा है और एक में +4 कामन आ रहा है। तो अब यहाँ पर ये हमारे पास उसकी फैक्टराइजेशन आ गई। तो हमने एलसीएम में क्या करना होता है, सबसे पहले कॉमन फैक्टर लिखने होते हैं। ये है एक्स माइनस फाइव और ये दूसरा एक्स, ये दोनों में एक फैक्टर कॉमन है वो हमने लिखी। अब ये दोनों इस दोनों में नहीं पाए जा रहे, पहले फिर हम ये वाला लिख लें और बाद में ये, या इसको पहले लिख लें, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपके पास एलसीएम हमने एक्सरसाइज जो क्वेश्चन नंबर 5 के पहले पार्ट का हमने किया। अब आज इसका हमने चौथा पार्ट करने जा रहे हैं। ये देखिए आपके पास लिखा हुआ है एक क्वेश्चन, तो इसके हमने सबसे पहले अरेंजमेंट 4 की फैक्टराइजेशन करें तो 2 × 2 आएगी। तो ये लिखा हुआ है एक्स की पावर 4 - 1। तो इसमें आपने हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर, एक्स स्केयर का स्केयर -1 का स्केयर। तो ये दो स्केयर में माइनस है, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस लिख दिया। अभी जो -1 है को फिर हमने लिख लिया है, क्योंकि एक्स स्केयर -1 है, उसको हमने लिख दिया x+1 और x -1। तो ऐसा ही हमने इधर किया है, इसमें से ये हमारे पास एक पेयर बना है और एक हमारे पास ये पेयर बना है। अब देखिए बेटा अजानें हो रही हैं, इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे उसके बाद। जी बेटा जी, अजानों के बाद हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। हम यहाँ पहुँचे थे कि अब देखें कि ये हमारे पास एक पेयर है, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है x-1। इसमें से -1 कॉमन आएगा तो अंदर आ जाएगा x-1। अब यहाँ पर देखें कि ये जो है, ये दो ब्रैकेट में सेम सीन आया तो वो हमने लिख दिया x-1, पीछे क्या बचा है x²-1। अब यहाँ देखें तो ये जो एक्स के -1 है, इसको हमने लिख दिया x+1 x-1। अब ये एक ये आपके पास आ गया है टर्म, एक ये इसमें से 2 कॉमन था वो लिखा, फिर 2 और 3 दोनों अलग अलग थे वो दोनों लिख लिए, फिर इसमें से x-1 इधर भी है इधर भी है वो लिख दिया, फिर x+1 इधर भी है इधर भी है वो लिख दिया। अब इधर एक x²+1 है और इधर x-1 है वो लिख दिया। अब ये दो वैल्यू थे x-1 x-1, वो होल स्केयर की शक्ल में आ गया। ये आपका आंसर हो गया, जो कि 5 क्वेश्चन सारा ऐसा है, बड़ा आसान है बेटा। आपने बस क्या करना है, सबसे पहले तसल्ली से उसके फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर बनाने के बाद आपने उसको परफॉर्म करना है, इंशाल्लाह आप बड़ी इजीली कर लेंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 बड़े जो है ना वो स्टेटमेंट वाले सारे के सारे क्वेश्चन हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले ये इसको दिया हुआ है, दो उसने फैक्टर दिए हैं, कह रहा है अगर ये दो जो पॉलीनोमियल हैं ये x+4 के साथ मुकम्मल तौर पर अगर x+4 इनका आध्याज़म हो तो आप k की वैल्यू मालूम करें। हमने इसको पहले को हमने p(x) और दूसरे को हमने q(x) हमने जो है ना वो लेट कर लिया। फिर हमने क्या किया जी, अब हम क्या करने जा, हम तरतीब ये बनाई कि हमें पता था एज गिवन दैट p(x) q(x) आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाई दिस, क्योंकि ये इनका HCF है
जब ये ऐसे ही वो तो ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, तो आंसर क्या है, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। ठीक है, तो इसलिए हमने पहले वेक्टर को सिर्फ डिवाइड किया एक्स प्लस फोर के साथ। तो आपके पास ये देखिए एक्स स्क्वायर था, ये एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स हमारे पास आ जाएगा वेरिएबल यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस थ्री, तो इससे मल्टीप्ली करें माइनस थ्री इंटू फोर, तो आ जाएगा माइनस का आपके पास ट्वेल्व, और फोर इंटू फोर एक्स इंटू फोर तो आ जाएगा फोर एक्स। अब इनके नाम पे चेंज करें तो फोर में से एक्स माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास थ्री माइनस थ्री, ये ऐसा जब हमने लिख दिया ना। अब ये देखिए माइनस थ्री है तो इधर आपके पास हमने माइनस थ्री लिखा है यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे पास एक्स था, तो ये आ गया माइनस थ्री एक्स, माइनस थ्री को फोर से मल्टीप्लाई करें माइनस ट्वेल्व, साइन इनके चेंज कर दिए, जैसा कि ये वैल्यू कट गई थी ना उसी तरह ये दो वैल्यू आपस में कट गई। तो अब हमने ये लिख लिया, ये हो गया प्लस ट्वेल्व, ये एस एच हमने लिख दिया। अब हमें पता था क्योंकि ये जो एक्स एच एक्स प्लस फोर है ना, ये एच सी एफ है, ये आधे आज़म है इन दोनों का, तो इसलिए आपके पास इसका आंसर क्या आना चाहिए था, जीरो। इसको जीरो के इक्वल रख दिया। अब इस माइनस को अगर अप्लाई किया तो हो गया माइनस टू के माइनस टू, तो ये टेन माइनस टू इज इक्वल ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस टू ये क्या आ जाएगा टेन, तो टेन ये आपके पास माइनस टू के उधर जाकर प्लस टू के हो जाएगा, ये आपके पास टू लिखा हुआ है उधर जाके डिवाइड होगा, टेन ओवर टू इज इक्वल टू फाइव। फाइव आपका अगर एक्स की के की वैल्यू अगर पाँच हो, ठीक है, तो देन आपके पास एक्स प्लस फोर जो है इन दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, यानी कि ये आधे आज़म कंसिडर किया जाएगा। तो ये आपके पास छठा क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर सेवन में एक पी एफ एक्स दिया है, क्यू एफ एक्स दिया हुआ है। अब देखिए ये हमारे पास एक फार्मूला है, दो पॉलीनोमियल अगर एक पी एफ एक्स हो और दूसरा क्यू एफ एक्स हो, उन दोनों का हासिल ज़रब बराबर होता है आधे आज़म और ज़ाफ़कल के हासिल ज़रब के बराबर होता है, जिसको हम लिखते हैं पी एफ एक्स इंटू क्यू एफ एक्स इज इक्वल टू एल सी एम इंटू ए सी एफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए ज़रा, अब जी ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, दो फैक्टर दिए हैं, पॉलीनोमियल दिए हैं, एक पी एफ एक्स है और एक क्यू एफ एक्स है। कहा जा रहा है अगर ये एच सी एफ हो, अगर ये आधे आज़म हो तो इन दोनों का, तो आप के और एल की कीमत मालूम करें। ठीक हो गया जी। तो देखें हम, हमें पता है कि ये जो है ना, ये वाला ये एच सी एफ, इन दोनों ये इन दोनों का एच सी एफ है। अगर कि इन दोनों का एच सी एफ है तो देन ये इसके साथ कम्प्लीटली डिविजिबल हो गए। अब देखिए एज हम करने क्या जा रहे हैं, ये जो पी एफ एक्स लिखा है ना, ठीक है, हमें अब इसके साथ अगर इसको डिवाइड करें तो अब देखिए ज़रा, इसको डिवाइड करें तो इसका आंसर, इनके अब इसको हम डिवाइड करने लगे हैं ना, अब इसको थोड़ा डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद प्रॉपर हम डिवीजन का प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे हमने इसको डिवाइड किया ना पी ऑफ एक्स को एच सी एफ के साथ, पी ऑफ एक्स को एच सी एफ के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं। ये देखिए ये वाला फैक्टर जो है ना, प्लस वाला फैक्टर जो है ना, ये दोनों का एक जैसा है तो ये कट जाएगा। अब जो रिमेनिंग पोर्शन है अब उसको प्रॉपर डिवाइड करें, आप देखिए डिवीजन का प्रोसेस करें आप। ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर है, तो ये आपके पास टू एक्स है तो ये आ जाएगा टू एक्स, इसको मल्टीप्लाई करिए आ जाएगा टू इंटू टू फोर एक्स। ठीक हो गया जी। तो इनके साइन चेंज कर दें, अब ये आपके पास कट जाएगा
अब ये चार में से तीन बाकी एक बचेगा। हमें पता है कि ये जो है ना, ये आपके पास इसका डिवाइज़र है, इसको डिवाइड करेगा क्योंकि ये एच सी एफ है उसका। तो एज गिवन डैट एच सी एफ इज डिवाइजर ऑफ 2x माइनस 3x प्लस के। अगर ये इसका डिवाइजर है तो देन आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू रिमाइंडर इज जीरो। तो आप इसकी वैल्यू को जीरो के इक्वल रख दें, x प्लस सॉरी ये आपके पास आ जाएगा वन वन प्लस के, चार में से तीन बाकी एक आ जाएगा। तो आपके पास आ गया वन प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो जाके माइनस, तो k की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस वन। ऐसे ही आप करेंगे बिल्कुल इसी तरह से, ये दूसरा पार्ट दूसरा हिस्सा इसका हिस्सा खुद करेंगे। ये जो आपके पास q ऑफ x लिखा हुआ ना, q ऑफ x को आपने डिवाइड करना है इस के साथ। तो देखिएगा ये सेम फैक्टर हैं दोनों, ये कट जाएंगे। अब इसको इसके साथ आप डिवाइड करेंगे जैसा कि हमारे पास ये आंसर आया था। तो ये जो है ना आपके पास इसको जीरो के कुल रखा, ठीक है, तो आपके पास जो है ना आंसर की एक वैल्यू आ गई। उसी तरह उसका जो आंसर आएगा उसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो एल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास जो सेवन्थ क्वेश्चन है, ये इसके हम दो हिस्से हैं। एक में हम पहले डिवाइड करते हैं तो के की वैल्यू आती है, फिर हम दूसरे को डिवाइड करते हैं तो एल की वैल्यू आती है। इसलिए दूसरा जो इसका हिस्सा है वो आपने खुद करना है। हम आठवां क्वेश्चन जो इसका है उसके लिए थोड़ी एफर्ट, आठवां क्वेश्चन इसका पढ़ते हैं। क्या कहते हैं, कह रहा है अगर दो कसीर में एक पी एफ एक्स है और एक क्यू एफ एक्स है, ठीक है, काज उजाफकल और आदि आजम दिया हुआ है और पी एफ एक्स भी दिया, क्यू एफ एक्स हमने मालूम करने। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर एट, एल सी एम दिया हुआ है, ठीक हो गया, एच सी एफ दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, और कहा जा रहा है कि क्यू ऑफ एक्स आपने मालूम कर लिया, ठीक है जी। तो ये हमने अभी भी फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, ये फार्मूला यूज करेंगे, पी ऑफ एक्स इन टू क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल सी एम इन टू एच सी एफ, ठीक हो गया बेटा जी। तो हमें q ऑफ x निकालना है, तो q ऑफ x इज इक्वल टू एल सी एम इन टू एच सी एफ ओवर p ऑफ x। अब सब की वैल्यू पुट कर दें, एल सी एम की वैल्यू क्या है जी, ये लिखी हुई है 2 इन टू एक्स की पावर 4 माइनस वन, और एच सी एफ की वैल्यू क्या लिखी हुई है, x प्लस वन इन टू एक्स स्केयर प्लस वन, ओवर इसकी वैल्यू क्या है, x क्यूब प्लस एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है बेटा जी। तो ये आपके पास अब वैल्यू आ गई। अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है जहाँ तक पॉसिबल हो सके। तो ये आपके पास इसके दो फैक्टर होंगे, एक एक्स के प्लस वन और एक एक्स के माइनस वन। अभी पिछले हमने पांचवें क्वेश्चन में किया था, ये पहले ही फैक्टर बने हुए हैं उसके। अब इसमें से उसी तरह एक्स के कॉमन लें, इसके दो फैक्टर बन रहे हैं एक्स प्लस वन, और इसमें से वन कॉमन लें तो एक्स प्लस वन, ठीक है हो गया बेटा जी। अब यहां देखें इसको आप लिखे x प्लस वन एंड x माइनस वन, बाकी सारा वैसे का वैसे लिख दें। अब ये हो गया x प्लस वन इन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, जो आपके पास कटिंग हो सकती है वो कटिंग कर लें। तो ये हो गया एक्स स्केयर प्लस वन, उससे कट जाएगा एक्स प्लस वन से कट जाएगा, जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है वो आप लिख लीजिएगा। अब देखें ये टू है, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स स्केयर प्लस वन। अब यहाँ देखें ऐसे छोड़ा हुआ है कि यहाँ आंसर में लिखते वक्त उसने क्या उसको मजीद मल्टीप्ली किया हुआ है, वो आंसर में उसका देख लेते हैं।
आठवां क्वेश्चन है, तो वीर उसने मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये आप लिख सकते हैं एक्स फोर माइनस वन, ये आपके पास फोर आ गया। मीन के आप इसमें और भी थोड़ी आसानी हो सकती थी, वो कह रहा कि आप इसको सिंप्लीफाई करें ही ना, ठीक है, इसको आप करें तो ये उसके साथ कट जाएगा, तो ये बाकी वैसे के वैसे लिखे। दूसरा इसका एक मेथड ये भी हो सकता है, मतलब कि ये जैसे लिखा हुआ है, हम इसको अगर थोड़ा सा मतलब उसकी तरफ अगर ना जाए, जैसे ये लिखा है वैसे के वैसे लिखे, मैं आपको ज़रा बता देता हूँ, ये देखिए ज़रा, ये देखिए बेटा, मैंने इसको कह रहा कि आप ऐसे ही बेशक रहने दें, ना इसको आप कुछ करें, ठीक है, तो बिल्कुल वैसे का वैसे ही उसको छोड़ दिया, ठीक हो गया। अब इसमें से देखें, ये प्लस वाला फैक्टर इस प्लस से कट जाएगा, ये स्केयर वाला इस स्केयर से कट जाएगा, तो वो वाला आपके पास पीछे जवाब आ जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा आसान तरीका लग रहा है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा छोटा हो जाएगा, दो तीन स्टेप भी बच जाएंगे और सवाल भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये था बेटा जी आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में उसने एक हमें पी एफ एक्स दिया हुआ है, क्यू एफ एक्स दिया हुआ है और जुजाफकल दिया हुआ है। अब उसने जो ना एस सी एफ आदि आजम पूछा हुआ है, यहाँ पे उसने क्यू एफ एक्स पूछा हुआ है, यही बिल्कुल फार्मूला लगेगा, इसी तरह उसको फैक्टराइजेशन से हल करेंगे तो सवाल बड़ी आसानी से इंशाल्लाह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, अगर दो किसी रकमी का यहाँ पर ना पी एफ एक्स और क्यू एफ एक्स का हासिल ज़रब दिया हुआ है, ठीक है, आदि आजम जुजाफकल का हासिल ज़रब, एल सी एम और एस सी एफ का प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड ओके है, ये दी हुई है, और उसको कहा जा रहा है कि आपके पास एक किसी रकमी और दूसरा किसी रकमी दोनों दिए हुए हैं। अब आपने इसी तरह से उसको हल कर रहे हैं तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें ज़रा, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 10 में बस आपको एक हिंट देना है, ये आपके पास देखिए सारे स्टेटमेंट दिए हुए, तो बिल्कुल उसी तरह से आपके पास ये पी एफ एक्स, क्यू एफ एक्स, एल सी एम, एच सी एफ, ठीक है, ये आप क्यू एफ एक्स इधर ले लें, वैल्यू पुट करें, ये आपके पास एल सी एम, एच सी एफ ओवर पी एफ एक्स, सबकी वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट कर दें, इसकी वैल्यू, दोनों का प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, जहां तक कटिंग हो सकती है वो कर लें, ये दो कट रहे हैं, ये एक पावर कट जाएगी, तो आपके पास पीछे बच रहा है, अब देखिए लिखा हुआ है एक्स के प्लस के एक्स प्लस फाइव, ये आ गया एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस फाइव में ज़रा शॉर्ट, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो आएगा एक्स प्लस एक्स के प्लस आठ एक्स प्लस 15, तो हमने इसका मुआजना करना है, तो आपके पास देखें एक्स केयर है, ये भी एक्स केयर है, ये 15 है, ये 15 है, तो ये आ जाएगा के एक्स इज इक्वल टू 8x, हम बाई कंपेयरिंग तो k की वैल्यू क्या आ गई 8। मैंने कहा था आपको बस हिंट दे दूँ तो हिंट दे सारा सवाल हो गया, मतलब इतना आसान सवाल था। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, वकास की ख्वाहिश है कि 128 केले और 176 सेब जो है चंद बच्चों में बराबर तकसीम करें, बताएं कि वकास ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चों में तकसीम कर सकते हैं, तो उसने क्या करना है, इनका एच सी एफ फाइंड करना है, आदे आज़म फाइंड करना है, तो बड़ी आसानी से 128 इनके फैक्टर बनाएंगे और 176 के फैक्टर बना लेंगे आप, तो बड़ी आप देख लेंगे कि जब क्योंकि जो कॉमन फैक्टर होगा वो आप लिख लेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि ये उसका एच सी एफ था। एक आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, छठी और सातवीं क्लास आठवीं क्लास में आपने किया था,
इन दोनों को आप डिवीजन के प्रोसेस से करते जाएं तो जो लास्ट में आपका एडवाइज़र आएगा वो इसका मतलब है वो ICF होगा जो दोनों को पूरा पूरा तकसीम करेगा। तो मीन आपने सिंपल एक दो मेथड हो सकते हैं, डिवीजन वाला भी और फैक्टराइजेशन वाला भी, दोनों में से जौन सा मर्जी आप यूज़ कर लें। अलबत्ता आपने HCF फाइंड करना है यहाँ पर तो आप इंशाल्लाह कर लेंगे। तो ये था बेटा जी हमारे पास जो आज का एक लेक्चर था, लेक्चर नंबर 10 एक्सरसाइज 6.1 का 5 से लेकर 11 नंबर क्वेश्चन तक। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 6.2 देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।